हेलो एवरीबॉडी, सिक्योरिटीज लॉ की एक बैच के साथ मैं आया हूँ जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं और एक मोटा पैसा खर्च कर चुके हैं टुवर्ड्स देयर कोचिंग फीस। उनके लिए एक सुविधा है, इट इज एन ईज, जहाँ पर मैं सारे के सारे चैप्टर वाइज लेक्चर आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो बेटा, इस चीज का एडवांटेज लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी डीएम कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये हम पढ़ाई कर रहे हैं जून 24 की बेटा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं सिक्योरिटीज लॉ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेबी LODR रेगुलेशंस। LODR मतलब क्या होता है बेटा? तो LODR मतलब होता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? सेबी LODR। आप समझते चलना बेटा क्या है, क्या दिक्कत आई थी, क्यों सेबी LODR लाया, इसके पहले क्या चीजें चलती थी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं सेबी LODR रेगुलेशंस 2015। इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे पुराने जितने भी लॉज होते हैं उनको रिपील करके क्या किया जा रहा है, नया लॉ लाया जा रहा है। अगर आप डीलिस्टिंग रेगुलेशंस देखेंगे तो उसमें ईयर आपको कुछ और मिलेगा, फिर उसको ऑल टुगेदर नई तरीके से अडॉप्ट किया गया तो आपका ईयर चेंज हो गया विद सर्टन अमेंडमेंट्स। वैसे ही अगर आप देखेंगे ICDR रेगुलेशंस है तो ICDR रेगुलेशंस में चेंज आया, वैसे ही सेबी LODR जो है एक न्यूली प्रोवाइडेड रेगुलेशन है। इसके पहले कुछ भी एज सच प्रोवाइड नहीं किया जाता था। बेटा बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी है या ऐसी एंटिटी है विच इज डिजायरस ऑफ गेटिंग इट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए थोड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉलो करना पड़ेंगे जो कहां पर दिए हुए हैं। LODR नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, इट स्टैंड फॉर लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर बेटा? रिक्वायरमेंट्स, सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, इसको सुधारेंगे अपन विद टाइम। सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 कि अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है तो उसके सर्टेन ड्यूटीज होगी, ऑब्लिगेशन होगी कि उसे क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सर्टेन डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। क्लियर बेटा? अब सेबी LODR के पहले इंडिविजुअली मार्केट में चलता था लिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या चलता था? लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब लिस्टिंग एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी एंटिटी अपनी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहता है तो उसे इंडिविजुअली क्या करना पड़ता था, स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एक एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता था जिसे बोला जाता था लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के बीच में क्या होती थी, डिसाइड होती थी। ठीक है बेटा? क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के बीच में चीजें डिसाइड होती थी। अब हर एक कंपनी अपने हिसाब से नेगोशिएशन करती थी, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करती थी स्टॉक एक्सचेंज के साथ में। ठीक, अब इसी चीज को देखते हुए यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आने लग गई यूनिफॉर्मिटी की। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि हर कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग नेगोशिएशन करती और स्टॉक एक्सचेंज पे अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती। इन सारे के सारे एम्बिग्विटी कंफ्यूजन डिलेमा को दूर करने के लिए लिस्टिंग एग्रीमेंट को कंसाइज किया गया कि आप जब भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे तो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो आज भी लिस्टिंग एग्रीमेंट में रहती है। और बाकी यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए ये ले आए सेबी LODR रेगुलेशन 2015।
कि कोई भी कंपनी हो अगर उसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो उन्हें कॉमन ऑब्लिगेशंस या सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगी रादर देन इंडिविजुअल नेगोशिएशंस बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड कंपनी। तो स्टॉक सेबी एलओडीआर लाने का मेन मकसद क्या था बेटा? टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट का स्ट्रिक्ट प्रोविजन कंप्लायंस को क्या किया जा सके? फुलफिल किया जा सके। अब एक कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या सेबी एलओडीआर 2015 जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के साथ में चलता है या इससे स्ट्रिक्ट है या इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है? तो बेटा हमेशा कंपनीज एक्ट 2013 के कॉन्सोनेंस चलेगा के बराबर या उससे ऊपर स्ट्रिक्ट चलेगा सेबी एलओडीआर। किसी भी टाइम पर एलओडीआर रेगुलेशंस जो है वो कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि सेबी एलओडीआर एक्चुअली में होता क्या है। लाया क्यों गया? ऑब्जेक्ट हमने देख लिया कि मेन ऑब्जेक्टिव टू इनकॉर्पोरेट टू ब्रिंग रेगुलेशन ऑफ सेबी एलओडीआर इज टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। चालू करते हैं हम। सबसे पहला दिख रहा है सेबी एलओडीआर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। क्यों लाया गया? क्यों लाया गया? क्योंकि आप इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। ये हमेशा इन कॉन्सोनेंस विद कंपनीज एक्ट 2013 चलेगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी। किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है? तो उन्होंने बोला दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू लिस्टेड एंटिटी। दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ इट्स डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। क्या कह रहा है कि अगर आपने अपनी कोई भी सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करी हुई है तो आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? सेबी एलओडीआर। अब बेटा ये सारी की सारी सिक्योरिटीज जैसे कि अगर आपने क्या किया है अपने आईडीआर लिस्ट कराने का सोचा है या फिर सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स सिक्योरिटी रिसीट्स नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज जैसे कि डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स या फिर आपने कोई भी एसएमई एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट कराने का सोचा है या फिर यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड। एंड लास्ट इज इसके अलावा कोई भी सिक्योरिटीज जो सेबी ने आपको स्पेसिफाई कर दी है अगर ये आप लिस्टेड एंटिटी के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेबी एलओडीआर फॉलो करना पड़ेगा। अब बेटा इसको कंसाइज किया गया, एक रीसेंट अमेंडमेंट आया और इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली क्या मेंशन किया है कि आपको दो सिक्योरिटीज के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सेबी एलओडीआर की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। पहला है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और दूसरी है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। ठीक है बेटा, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? ऑल द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर आपकी सिर्फ इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है या फिर ऐसी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है जो नियर फ्यूचर में जाकर स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी में कन्वर्ट होने वाली है तो वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पर आ जाएगी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में फॉल हो जाएगी। और आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के लिए जो भी सेबी एलओडीआर कंप्लायंसेस है वो फुलफिल करना पड़ेंगे। सेकेंडली इसके अलावा आपकी जो भी सिक्योरिटीज है उसको एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में कवर किया, दैट इज डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। बोले तो समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आ जाएगी और इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटीज है वो सारी की सारी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल हो जाएगी। क्लियर बेटा? इसके बाद आता है सबसे पहला पॉइंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब ध्यान से समझिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता क्या है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब होता है कि अगर कोई भी एंटिटी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करना चाहती है तो लिस्टिंग के पहले
सिक्योरिटीज इशू करने के पहले स्टॉक एक्सचेंज पर उन्हें पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ेगी। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब क्या होता है? गोइंग फॉर प्रायर अप्रूवल। अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज मैंडेटरी है। लिस्टेड एंटिटी बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज शैल ऑब्टेन एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहला क्या पढ़ा हमने? इसका ऑब्जेक्टिव। तो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सेबी एलओडीआर का, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। सेकेंड चीज इन्होंने जो फोकस करी है दैट इज इट्स एप्लीकेबिलिटी क्लॉज। एप्लीकेबिलिटी क्लॉज क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी क्लॉज कहता है कि किसे स्टॉक एक्सचेंज किसे सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस फुलफिल करने का जरूरत पड़ रहा है, किसके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल है। तो इसमें उन्होंने दो चीज लेकर आए, पहला है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जिसमें इक्विटी आ जाएगी, और दूसरा है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। क्लियर बेटा? थर्ड वन हम आए इसमें, हमने देखा थर्ड वन इज इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या कहता है? कि कोई भी कंपनी लिस्टेड एंटिटी अगर अपनी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना चाहती है तो उसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की, जो भी आप जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करने वाले हो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। आई होप सो बेटा क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट इज की डेफिनेशंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, कुछ डेफिनेशन ही यहां पर दी है और यही ओवरव्यू आपको पढ़ना है। सबसे पहला है लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी मतलब क्या होता है? ऐसी एंटिटी जिसके डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसे क्या बोला जाएगा? लिस्टेड एंटिटी। तो लिस्टेड एंटिटी मतलब वो एंटिटी जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। अब बेटा यहां पे सिर्फ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन में लिखा है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज इंक्लूड्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, तो उन्होंने कॉमन वर्ड दे दिया कि भैया जिसकी भी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसे बोला जाएगा लिस्टेड एंटिटी। तो हमने डेफिनेशन में सबसे पहले क्या देख लिया? लिस्टेड एंटिटी का डेफिनेशन। सबसे पहले क्या देख लिया बेटा? लिस्टेड एंटिटी का डेफिनेशन। ठीक है, क्या कहता है? लिस्टेड एंटिटी मतलब क्या है? जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसे क्या बोला जाएगा? लिस्टेड एंटिटी। दूसरा इन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। बेटा अपनी बात हो चुकी है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा अमेंडमेंट के थ्रू, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज और दूसरा रहेगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज, IDR, प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर एनी अदर सिक्योरिटीज इज स्पेसिफाइड बाय सेबी। मतलब एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव ओपन एंडेड डेफिनेशन दे दिया है उन्होंने किसका? डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज का। वेरे सेकेंड उन्होंने क्या किया है? डिफाइन किया है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज छोटी सी क्लोज एंडेड है, सारी की सारी इक्विटी शेयर्स, और दूसरा कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, ये दो किसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की। तो चलो फटाफट रिवाइज करते हैं चैप्टर। क्या कहता है कि भाई सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसके पहले सर कुछ चलता था क्या? हाँ चलता था बेटा, लिस्टिंग एग्रीमेंट। बट हर एक कंपनी क्या करती थी? स्टॉक एक्सचेंज के साथ इंडिविजुअली नेगोशिएशंस में आती थी, बातचीत करती थी और टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिफाइन करती थी। इस वजह से एक चीज गायब हो रही थी, यूनिफॉर्मिटी। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को कंसाइज किया गया और अल्टीमेटली यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या लेकर आ गया? ये सेबी एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रखा गया? टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी।
एप्लीकेबिलिटी में उन्होंने बोला दो, अगर आपकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी LODR फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने समझाया इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब होता है कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर आ रहे हैं तो मुंह उठा के मत आ जाइए, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जहां पर भी आप अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करने वाले हैं वहां से आपको परमिशन लेना पड़ेगी। नेक्स्ट इज डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज क्या कहता है, लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन कि भाई लिस्टेड एंटिटी मतलब क्या होता है, ऐसी एंटिटी जिसने अपने डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या करी है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा दी है तो वो लिस्टेड एंटिटी मानी जाएगी। फिर हमने पढ़ा डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी, ऐसी सिक्योरिटीज जो क्या है अदर देन इक्विटी शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। ठीक है बेटा। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब होता है लिमिटेड टू इक्विटी प्लस कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज की नियर फ्यूचर में जाकर ये किस में कन्वर्ट होने वाली है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाली है। सो दैट शैल फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। वेयर इज डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, जो कि है ऑल द नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। अब इसमें IDR भी आ जाएगा आपका, इसमें आपके म्यूचुअल फंड्स भी आ जाएंगे, इसके अलावा आपके नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएंगे और एनी अदर सिक्योरिटीज एज स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम स्पेसिफाइड बाय स्टॉक सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज लिस्टिंग एग्रीमेंट। ये अपन समझ चुके हैं, ऐसा एग्रीमेंट जो आप लिस्टेड एंटिटी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होता है एट द टाइम ऑफ गेटिंग डिजायरस ऑफ गेटिंग इट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 57 में जो नेटवर्थ का डेफिनेशन है बस वही सेम रहेगा। हम इसको देखेंगे कि एक्चुअली नेटवर्थ होता क्या है। ठीक बेटा। नेक्स्ट इज रिलेटेड पार्टी। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, ये बहुत से बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सर रिलेटेड पार्टी होता क्या है, तो इसके लिए बेटा अपन एक सेपरेट में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी के लिए अगर आप समझना चाहते हो तो रिलेटेड पार्टी मतलब होता है कि जब भी आप अपने रिलेटिव के साथ में कोई भी मटेरियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्लियर है बेटा कि आपकी कंपनी ऐसी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है जो आपके नियर एंड डियर वंस में आती है। अब वो नियर एंड डियर वंस क्या है वो हम देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर देन अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब भाई ये कंपनी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन के बेसिस पर ये क्या है, एक इंटीग्रिटी वाला इंसान है, सूझबूझ वाला इंसान है, इसके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट तीनों से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट इज उन्होंने बोला हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर्स इन द लिस्टेड एंटिटी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के अलावा कोई भी मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं रखता है। इसके बाद इसके रिलेटिव्स भी जो है वो 50 लाख रुपीज या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम की सिक्योरिटीज ही होल्ड करके रखे हुए हैं लिस्टेड एंटिटी में, इससे ज्यादा होल्ड करके नहीं रखे हुए हैं। इसने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में किसी भी टाइम पर लिस्टेड एंटिटी को इनडेटेड या डेट नहीं दिया हुआ होना चाहिए, ना ही डेट से रिलेटेड कोई गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होना चाहिए, ना ही कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप इसका या पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन कंपनी के साथ में 2% से ज्यादा, ना ही होल्डिंग, ना ही सब्सिडरी, ना ही एसोसिएट कंपनी के साथ होना चाहिए।
ना ही ये, ना ही ये रिलेटिव, इसका कोई भी रिलेटिव कंपनी में कोई भी डिजिग्नेशन इसके पहले 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक होल्ड करके रखा हुआ होना चाहिए। क्लियर? कम से कम 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए उसकी। और हु इज नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी ऑन द बोर्ड ऑफ विच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर कितना कितना घुमा दिया बेटा, जब भी ऐसी डेफिनेशन समझ में नहीं आया उसको एक बार शांति से पढ़ने की कोशिश करो। हु इज नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी ऑन द बोर्ड ऑफ विच एनी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी के नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में नहीं होना चाहिए, उस लिस्टेड एंटिटी में जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, आपकी कंपनी का नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब इधर का नॉन इंडिपेंडेंट, ठीक है, दूसरी कंपनी में हो गया इंडिपेंडेंट, और उस कंपनी का इंडिपेंडेंट जो है वो हो गया आपकी कंपनी में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उन्होंने बोला ये क्रॉस इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट वाली चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक बेटा, नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। यहां से आपका ये चैप्टर चालू होता है। क्या कहता है? द ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी हैव बीन क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला कॉमन ऑब्लिगेशंस जो हर एक लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है, भले मेरी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये कॉमन ऑब्लिगेशन फुलफिल करना ही पड़ेंगे। और इन सब को उन्होंने कॉमन टर्मिनोलॉजी पर लाकर रख दिया, जिसे क्या बोला जाता है, जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज अगर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेंगे। मतलब पहला उन्होंने बोल दिया स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, और दूसरा बाकी सबके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज। अगर ये दो चीज आ रही है, अब भले ही उसमें नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो बेटा, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो, या फिर आईडीआर हो, या फिर सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो, आपके लिए कॉमन ऑब्लिगेशंस रहेंगे। ठीक, मतलब एक है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के लिए, और बाकी सबके लिए क्या कर दिया है, इतने सारे ऑब्लिगेशन हटाकर हमने क्या कर दिया है, एक ऑब्लिगेशन ले आए हैं, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। आई होप बेटा आई एम क्लियर टू यू। लिस्टेड एंटिटी में दो पार्टी बाइफरकेशंस आ गए हैं जून 24 के लिए। वो ये कह रहे हैं सबसे पहला स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है या नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, इनके लिए ऑब्लिगेशन ये है, और इसके अलावा डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में सारी की सारी चीजें हमने कॉम्पैक्ट करके इंसर्ट कर दी है। अब कॉमन ऑब्लिगेशन क्या है, सबसे पहला वो कहते हैं कॉमन ऑब्लिगेशन सिर्फ तीन है। पहला चालू करते अपन समझना, कॉमन ऑब्लिगेशन। कॉमन ऑब्लिगेशन क्या कहता है बेटा, कि हर एक लिस्टेड एंटिटी में होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी। हर लिस्टेड एंटिटी में मैंडेटरी कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। हु शैल एक्ट एज कंप्लायंस ऑफिसर, हु शैल एक्ट एज कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर मतलब द वन हु इज रेस्पॉन्सिबल, कि जितने भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं उसका सही तरीके से पालन करवाएगा कंपनी द्वारा। ठीक बेटा, जैसा कि आपने देखा रिसेंट में पेटीएम का जो ओनर है, प्रमोटर है, उसने क्या कहा कि भाई आई विल फोकस ऑन कंप्लायंस। तो ये कंप्लायंस के ऊपर फोकस अब क्यों रखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक हेफ्टी पेनल्टी चिपका दी आरबीआई ने, अच्छा सा धक्का दे दिया इनके ऊपर, सारे रास्ते बंद कर दिए। जब जाके भाई साहब को पता पड़ा कि सीएस की क्या वैल्यू होती है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो सीएस बोलेगा, जो कंप्लायंस ऑफिसर बोलेगा, उसको एग्जैक्टली आज से मैं मानना चालू करूंगा। तो सबसे पहला कॉमन ऑब्लिगेशन क्या है, एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल हैव सीएस हु शैल एक्ट एज कंप्लायंस ऑफिसर इन द कंपनी। क्लियर बेटा? अब कंप्लायंस ऑफिसर का क्या क्या ऑब्लिगेशन होगा, जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स है, रेगुलेटरी प्रोविजन्स है, उसका ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कराना, एंश्योरिंग कंफर्मिटी कि हाँ भाई कंपनी बिल्कुल व्यवस्थित सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर चल रही है। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग टू बोर्ड, कि
कि भाई ये नया लॉ आया इसको फॉलो करना है, ये नया रेगुलेशंस आया फॉलो करना है, बोर्ड के जितने भी डाउट आ रहे हैं उसको सॉल्व करना, ताकि बोर्ड एक भी ऐसा स्टेप नहीं ले जिससे नॉन कंप्लायंस हो और नॉन कंप्लायंस के बेसिस पर कोई भी पेनल्टी अट्रैक्ट हो। थर्ड इज इंश्योरिंग करेक्ट प्रोसीजर आर फॉलोड एंड रिपोर्ट्स आर फाइल्ड। हर एक प्रोसीजर सिस्टमेटिक मैनर में फाइल फॉलो हो रहा है, साथ ही साथ जितनी भी रिपोर्ट्स उसके साथ आपको डिस्क्लोजर देना है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, आइदर इज कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट एक्शंस, वो सारे कंपनी टाइमली कर रही है। एंड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल डिविजन, कि जितने भी पब्लिक के आपके शेयर होल्डर के ग्रीवियंसेस हैं, इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस हैं, उन सारे की सारे ग्रीवियंसेस को सिस्टमेटिक में मैनर में फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कंप्लायंस ऑफिसर। तो बेटा सबसे पहला कॉमन ऑब्लिगेशन हो गया कि लिस्टेड एंटिटी शेल अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी। कौन सा वाला? क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, जिसने सारे पेपर पास कर लिए हैं, सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, उसके पास मेंबरशिप नंबर आ गया है, उसको क्या बोलेंगे? उसको लिस्टेड एंटिटी में बोला जाएगा एज कंप्लायंस ऑफिसर, जिसके ये चार फंक्शंस होंगे। पहला इंश्योरिंग कंफर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस, दूसरा कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, तीसरा इंश्योरिंग करेक्ट प्रोसीजर्स आर फॉलोड, एंड फोर्थ वन इज मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल। नेक्स्ट उन्होंने कहा हर एक कंपनी में क्या होना चाहिए? शेयर ट्रांसफर एजेंट, या तो ये इन हाउस रख लो, मतलब आप ही की कंपनी में एक ऐसा पर्सन रख लो जितने भी शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जितने भी नाम ट्रांसफर हो रहे हैं उसे अपॉइंट कर लो, या फिर किसी को आउटसोर्स कर दीजिए। ऐसे RTA रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट जिनका मेन काम ही यही है, इन्हें पूरा की पूरा काम सौंप दीजिए आपकी कंपनी का। तो शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या कहता है? हर एक लिस्टेड एंटिटी को अपॉइंट करना पड़ेगा शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब या तो कंपनी उसको इन हाउस रखे, या फिर उसे क्या कर दे, मैनेज करने के लिए आउटसोर्स कर दे। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन विथ इंटरमीडियरीज, कोऑपरेशन विथ इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विथ सेबी। सेबी के पास जितनी भी इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर है, रजिस्टर्ड एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट है, ठीक है, फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन सब के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटी को। एंड लास्ट वन इज बेटा पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पॉलिसी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है? कि ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट को परमानेंटली क्या करें, प्रिजर्व करें, और दूसरा ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसका प्रिजर्वेशन कम से कम 8 साल तक, 8 ईयर्स तक आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब सर 8 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर है या करंट ईयर है, तो मैं आपके ऊपर ये क्वेश्चन रेस करता हूं कि प्लीज पता करके आइए कि ये 8 ईयर्स क्या है, फाइनेंशियल ईयर्स है या फिर कैलेंडर ईयर है, और कमेंट सेक्शन में लीव करिए अपना आंसर। नेक्स्ट इज हाउएवर लिस्टेड एंटिटी मे कीप द डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, कि सर्टेन डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं। अब हमने चार चीज पढ़ी कॉमन ऑब्लिगेशंस में। बेटा सबसे पहला कॉमन ऑब्लिगेशन क्या है? कि लिस्टेड एंटिटी को अपॉइंट करना पड़ेगा कंप्लायंस ऑफिसर। आई होप आई एम क्लियर। सबसे पहले क्या होगा, लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बोला आपको RTA रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने आपको दो ऑप्शन अवेलेबल दे दिए हैं, या तो इसे आप करो इन हाउस, मतलब अपनी कंपनी में इंडिविजुअली अपना एक स्पेसिफिक क्या कर लीजिए, RTA अपॉइंट कर लीजिए, या फिर सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं आउटसोर्स। क्लियर बेटा? थर्ड वन इज आपको कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको मदद लेना पड़ेगी टाइमली किसके साथ में, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ में। क्लियर? अब ये सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज क्या है? तो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, इन सब के साथ आपको कोऑर्डिनेट करते हुए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन इज आपको बनाना पड़ेगी पॉलिसी फॉर
प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये दो तरीके से मेंटेन होगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको क्या करना पड़ेंगे, परमानेंट फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेंगे, वेरेस दूसरा जो है आपको एटलीस्ट 8 ईयर्स तक मेंटेन करना पड़ेंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट को परमानेंट नेचर के लिए प्रिजर्व करने का है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको कम से कम 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करना है, ये पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेटा। डन, आई होप सो आपको कॉमन ऑब्लिगेशन समझ में आए होंगे। चार होते हैं। सबसे पहला क्या है कि आपको कंप्लायंस ऑफिसर इस कंपनी सेक्रेटरी इस कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा मैंडेटरीली। दूसरा रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट इन हाउस या फिर आउटसोर्स कर दीजिए। तीसरा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपको इंटरमीडियरीज के साथ में। नेक्स्ट इज पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगी। कुछ परमानेंट नेचर में जाना पड़ेगा, कुछ एटलीस्ट 8 ईयर्स तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पॉलिसी अडॉप्ट कर लेंगे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज की प्रोविजंस पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर सेबी LODR 2015। चालू करते हैं हम। यहां पर बेटा सिर्फ एक चीज समझिए, आपको रेगुलेशन 17 से लेकर रेगुलेशन 27 तक यहां पे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर आपको बोलूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन 17 से लेकर 27 तक फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये जो 10 रेगुलेशंस है ये सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि कंपनी लिस्टेड एंटिटी किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करेगी। अब बेटा बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट इसको शॉर्ट में समझना है तो बस इतना समझ लीजिए कि कंपनी के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं उसे सिस्टमेटिक मैनर में फॉलो करना, एथिकल और प्रॉपर कंप्लायंस मैनर में फॉलो करना इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्लियर बेटा कि कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं कंपनी उसका सिस्टमेटिक क्या कर रही है, कंप्लायंस कर रही है, उसे बोला जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेशन 17। नेक्स्ट हम चालू करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज रेगुलेशन 17। अब बेटा स्पेसिफिकली समझते जाना, अपने को ये समझ लो बाय हार्ट करना है सारी की सारी चीजें। ठीक है, पॉसिबल है क्या? हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जब भी तो बता रहा हूं। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कह रहा है कि लिस्टेड एंटिटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होना चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहला मैं समझा रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। क्लियर बेटा, क्या बोला मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर एंड नॉट लेस देन 50% शेल बी कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बोले तो 50% एग्जीक्यूटिव, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। क्लियर है बेटा, आया समझ में। नेक्स्ट इज टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी जो है उसमें जो वुमेन डायरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। क्लियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर और 50% क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर, इसके साथ साथ मैंने क्या कहा आपको कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी जो है उसका उसके अंदर इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। क्लियर, और 1 अप्रैल 2019 2020 तक टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के अंदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। क्लियर,
अब कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी क्या कहता है कि समझना, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर 1 अप्रैल 2020 के बाद, अगर आप मार्केट कैप के बेसिस पर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी में आ रहे हो, कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगी। क्लियर। अब बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या कहता है ध्यान से समझने की कोशिश करना, चार्ट के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं बेटा। चार्ट ये कहता है कि पूरी पिक्चर लाई करेगी किसके ऊपर, चेयरमैन के ऊपर। पूरी पिक्चर किसके ऊपर लाई करेगी, चेयरमैन के ऊपर। चेयरमैन क्या कहता है, अगर आपका चेयरमैन जो है वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या तो आपका चेयरमैन क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बेटा ये पूरी पिक्चर किस पे करेगी बोर्ड कॉम्पोजिशन की, वो कह रहे हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है 1 अप्रैल 2020 के बाद में, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगी। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं चेयरमैन, आपका चेयरमैन या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा या तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। अगर आपका चेयरमैन जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे इंटरफेयर कर रहा है कंपनी के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस में, तो एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड शेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आया बेटा समझ में, आया 50% वन हाफ, ठीक है, 1/2 हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अगर आपका चेयरमैन, इन दैट पर्टिकुलर केस एटलीस्ट 1/3 ऑफ बोर्ड शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहां पर उन्होंने दो कंडीशन लगा दी कि अगर कंपनी ने क्या करके रखा हुआ है, एसआर इक्विटी शेयर इशू करके रखा हुआ है, अगेन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या कंपनी में किसी से भी रिलेटिव है या कोई जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है, रिलेटेड है, तो अगेन आपके हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आया बेटा समझ में, डन। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला प्रोविजन क्या कहता है रेगुलेशन 17 का, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फटाफट समझो, फटाफट समझाते जा रहा हूं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेल बोर्ड शेल कंप्राइज ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। 1 अप्रैल 2020 में अगर आप 1000 लिस्टेड एंटिटी की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपकी इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। अब पूरी पिक्चर आ जाएगी चेयरमैन के ऊपर, अगर आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 50% ऑफ द बोर्ड शेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है अगर आपका चेयरमैन तो 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट अगर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू करके रखी है, सुपीरियर राइट स्पेशल राइट वाले शेयर्स इशू करके रखे हैं, तो हाफ ऑफ देम शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। या फिर अगर आपका क्या है, कोई भी चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर कंपनी में जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ द बोर्ड शेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब बेटा आई होप ये इजीली आपको समझ में आया होगा, क्या कहना चाह रहा हूं, 50% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए बेटा, पढ़ लिया है सर आपने, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। यहां पर इसको समझाने के लिए लिख देते हैं अपन कि अगर टॉप 1000 है 1 अप्रैल 2020 के बाद से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगी। फिर पूरी पिक्चर आ जाएगी चेयरमैन पर, चेयरमैन अगर आपका कौन है बेटा, नॉन एग्जीक्यूटिव है, रिलेटेड नहीं है, डेली बेसिस पर सब चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में चल रही होगी, तो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो हाफ ऑफ देम शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर दो सिचुएशन आई, अगर आपका चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है बट या वो प्रमोटर से रिलेटेड है कहीं पर, या फिर कंपनी ने ऐसा इक्विटी शेयर इशू करके रखे हुए हैं, तो फिर हाफ ऑफ द बोर्ड शेल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट
डायरेक्टर। आई होप सो बेटा आपको फटाफट समझ में आया होगा रेगुलेशन 17। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिर हम आते हैं रेगुलेशन 17 ए पर। अभी तो समझो 17 क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। तो 1 अप्रैल 2020 से किसी भी लिस्टेड एंटिटी में कम से कम 6 डायरेक्टर होना चाहिए। सर ऐसा क्यों लिखा बेटा? पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए आपको? 3 डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। प्राइवेट में 2 चाहिए, ओपीसी में 1 चाहिए। अभी सिर्फ लिस्टेड की, प्राइवेट पब्लिक की बात कर रहे हैं हम। पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर जरूरी है, बट उन्होंने बोला नहीं, अगर आपकी बीइंग पब्लिक लिमिटेड क्या है, लिस्टेड एंटिटी है, तो 3 शैल बिकम 6। आपको अपने बोर्ड में कम से कम 6 डायरेक्टर बिठाना ही पड़ेंगे। कब? टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको स्टार मार्क किया। देखिए क्या कहता है कि मैक्सिमम एज अगर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसकी एज है 75 ईयर्स, ठीक। मैक्सिमम एज है 75 ईयर्स। लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करिए, मैक्सिमम एज इज 75 ईयर्स। बट अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, 75 ईयर्स से ज्यादा एज वाले को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि ये बुजुर्ग भले ही है बट इसमें आज भी उतना ही दिमाग है, उतना ही इसके अंदर क्या है, दिमाग है, और ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्लियर बेटा? आ गया, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है बेटा, एक कंपनी को कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगी एक साल में, ठीक। और कोई भी दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सर मैं 120th डे पर मीटिंग कर रहा हूं तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है? सर वैलिड है ना, बीच में क्या हो रहा है, 119 डेज का ही गैप आ रहा है, 121वें दिन करूं तो नॉन कंप्लायंस है बेटा। क्लियर? तो मीटिंग ऑफ बोर्ड क्या कहता है कि लिस्टेड एंटिटी को साल में कम से कम 4 बार मिलना पड़ेगा, एटलीस्ट फोर बोर्ड मीटिंग रखना पड़ेगी हर क्वार्टर के हिसाब से बेटा, और किसी भी दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। किसी भी बोर्ड मीटिंग को वैलिडली ट्रांजैक्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो कोरम क्या कहता है, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी को 1 अप्रैल 2020 से 1/3 और 3 डायरेक्टर्स मिनिमम, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो, विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको कोरम रखना पड़ेगा, ठीक बेटा। फटाफट समझते हैं क्या क्या बोला मैंने आपको। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि भाई कॉम्पोजिशन क्या होता है। सर आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा बेटा। इसके बाद हमने देखा मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। मिनिमम डायरेक्टर रिक्वायरमेंट क्या बोलता है, मिनिमम 6 डायरेक्टर होना चाहिए टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी के पास में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मैक्सिमम एज कितनी, मिनिमम डायरेक्टर रिक्वायरमेंट देखने के बाद हम शिफ्ट हुए मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या कहता है मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैक्सिमम एज 75 ईयर्स है। अगर 75 ईयर्स से ज्यादा वाले इंसान को, बुजुर्ग इंसान को आपको अपॉइंट करना है, तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नाम से क्लियर हो रहा है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जरूरी क्यों है। नेक्स्ट इज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। क्या कहता है, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग रखना पड़ेगी, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में, किसी भी 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या है, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होना चाहिए, ये कोरम वर्ड बताता है। और कोरम ये कह रहा है कि लिस्टेड एंटिटी में मिनिमम 1/3 और 3 विच एवर इज हायर विथ एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज बोर्ड कमिटी। हमने देख लिया रेगुलेशन 17 अच्छे से, अब हम आ रहे हैं रेगुलेशन 18, 19, 20, 21। 18 डील्स विद ऑडिट कमिटी, 19 डील्स विद नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, 20 डील्स विद स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी रेगुलेशन 21 में बताया गया है, ठीक। इसका एक चार्ट बनाया हुआ है बेटा, बहुत ही सुंदर चार्ट है, इसलिए मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे। सबसे पहला कॉम्पोजिशन की बात करता है, इंडिविजुअली अपन देखना चालू करते हैं ऑडिट कमिटी का
इंडिविजुअल सेक्शन क्या बेटा, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, ठीक है, या फिर इन्होंने बोरोइंग्स या डिपॉजिट एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं 50 करोड़ और मोर, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमिटी बनाना पड़ेगी। ठीक बेटा, अब लिस्टेड एंटिटी का क्या बोला उन्होंने, लिस्टेड एंटिटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, लिस्टेड एंटिटी शेल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स जिसमें से 2/3 एटलीस्ट 2/3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर होना चाहिए जिसमें से कम 2 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर कंपनी ने ऐसा इक्विटी शेयर इश्यू करके रखे हैं तो 50% क्या होना चाहिए, सॉरी सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए, सारे डायरेक्टर्स जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए और एटलीस्ट वन जो है उसके पास फाइनेंशियल और मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपर्टीज होना चाहिए। क्लियर बेटा, ये चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, उस चेयरपर्सन को एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट रहना पड़ेगा टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरी, ये साल में 4 बार मिलेंगे, ठीक है बेटा, और किसी भी 2 ऑडिट कमिटी की मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम जो है, कोरम क्या कहता है कि एटलीस्ट 2 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर बेटा, कमिटी क्या काम करेगी, तो आपको भी पता ऑडिट कमिटी का काम क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पावर ही अपने पास में रखेगी। आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, कौन आएगा, नॉमिनेट किसको करना चाहिए, इनको सैलरी कितनी बांटना चाहिए डायरेक्टर्स को, ये कौन देखेगा, एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, किसमें लिखा हुआ है ये, तो ये लिखा है सेक्शन 178 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। क्लियर बेटा, लिस्टेड एंटिटी को एनआरसी बनाना जरूरी है, क्या कहता है, चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर बेटा, जो कंपनी का चेयरपर्सन है, ठीक है, वो कमिटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता है, मेंबर बन सकता है बट चेयरपर्सन नहीं बन सकता है, ठीक है, जो चेयरपर्सन है उसे एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है टू आंसर ऑल द क्वेरीज, साल में 1 बार एटलीस्ट ये मिलेंगे, इसके बाद में कोरम क्या है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर विथ एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा ऑडिट कमिटी में कितना है, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहां पर है 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर बेटा, रोल क्या रहेगा ये मैं आपको बता चुका हूं, इनका नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी का क्या रोल रहेगा। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी मतलब क्या होता है, द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर लिस्टेड एंटिटी को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनाना जरूरी, हाँ कहाँ लिखा है, सेबी एलओडीआर में, कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है बेटा, तो इसीलिए डाउट आता है कि सर बनाए या नहीं बनाए, बेटा एसआरसी में बनाना, एसआरसी बनाना जरूरी है एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। क्लियर, आगे क्या कहता है, चेयरपर्सन जो है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का वो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए टू आंसर ऑल द क्वेरीज, साल में 1 बार मिलेंगे ये, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के लिए कोई भी कोरम अभी डिफाइंड नहीं है, और इसका फंक्शन क्या है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लास्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या बोलती है कि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा लिस्टेड एंटिटी का, लिस्टेड एंटिटी में जो भी सबसे सीनियर मोस्ट बुजुर्ग इंसान है उसके पास एक्सपीरियंस है, वही बेटा उसने सारे दिन देखे हैं अच्छे भी और बुरे भी, तो वही क्या कर पाएगा, रिस्क मैनेज कर पाएगा। डन, फिर उन्होंने बोला कमिटी शैल मीट ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार मिलेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे, इनकी कोरम क्या रहेगी, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, ये कंटिन्यूस बेसिस पर मिलते रहेंगे जब जब इनको लगेगा, बट 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में, 2 कमिटी मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेज करना ही क्या, किसका काम रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का। क्लियर बेटा, यहां तक हुआ आपका रेगुलेशन 17 कंप्लीट, नाउ वी विल शिफ्ट टू रेगुलेशन 17A।
रेगुलेशन 17A क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को ध्यान में रखते हुए। क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कमिटी मेंबरशिप एंड चेयरमैनशिप क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी में 1 अप्रैल 2020 में क्या कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है। मतलब एक इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल पर्सन मैक्सिमम 7 कंपनी 7 लिस्टेड एंटिटी में ही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता हूं, या फिर अ पर्सन शैल नॉट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी। एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड एंटिटी शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटी। अगर आप किसी भी एक लिस्टेड एंटिटी में या तो होल टाइम डायरेक्टर हो या फिर हो मैनेजिंग डायरेक्टर, तो फिर आप मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। 10 कमिटी से ज्यादा में आप कभी भी मेंबर नहीं बन सकते हो, और 5 कमिटी से ज्यादा में आप चेयरपर्सन नहीं बन सकते हो। बट ये जो कमिटी है इसमें सिर्फ ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी ही कंसीडर की जाएगी, इसके अलावा दूसरी कमिटीज को काउंटिंग में लेने का जरूरत नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बेटा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अभी हम क्या करते हैं, ओमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अलग से इसको समझाया जाएगा। रेगुलेशन 23 जो है वो डील करता है किसके लिए, रिलेटेड पार्टी के लिए। अब अपन आते हैं प्रायर इंटीमेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। रेगुलेशन 29 क्या कहता है, लिस्टेड एंटिटी जो है उसको एक प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी जो है उसको एक प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा किसे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर मीटिंग से रिलेटेड। अगर उस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कोई भी हो, क्वार्टरली हो, हाफली हो, एनुअल हो, तो आपको एटलीस्ट 5 क्लियर डेज इन एडवांस क्या करना पड़ेगा, प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे कि भाई ये चीज हम ये अपकमिंग मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कोई भी बायबैक, डीलिस्टिंग, FPO, ADR, GDR या किसी भी तरीके का डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो या बोनस सिक्योरिटीज इशू करने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वर्किंग डेज इन एडवांस में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा मीटिंग के कि आने वाली मीटिंग में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप कोई भी शेयर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स या फिर डिबेंचर्स या बॉन्ड होल्डर्स के कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करने वाले हो, तो आपको एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज इन एडवांस क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक बेटा। रेगुलेशन 29 क्या बात करता है, रेगुलेशन 29 बात करता है प्रायर इंटीमेशन की। प्रायर इंटीमेशन क्या कहता है बेटा, 5/2/11, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम डेज की कि अगर आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस होने वाले हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको कम से कम मीटिंग के 5 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी इशू लेकर आ रहे हो या डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो या बोनस सिक्योरिटीज इशू करने वाले हो, इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 डेज पहले स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी ऑल्टरेशन करने वाले हो, ऑल्टरेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते बेटा इसको, ठीक है, तो 11 वर्किंग डेज पहले आपको जिसको इंटीमेट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। दिस वॉज ऑल अबाउट रेगुलेशन 29। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 30, नाम से क्लियर है, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी आप इवेंट ला रहे हो या फिर कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मटेरियली इफेक्ट कर सकती है चीजों को, आपको देना पड़ेगा उसका डिस्क्लोजर। आपको क्या करना पड़ेगा, गाइडलाइन फॉलो करते हुए उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे दोगे, कंपनी की वेबसाइट पर, साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज पर। क्लियर बेटा, आया समझ में?
अब कोई भी मीटिंग आपकी होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटकम ऑफ मीटिंग, जो भी बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं, समरी, आपको क्या करना पड़ेगी, मीटिंग खत्म होने से 30 मिनट्स के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगी। तो ए से लेकर आई तक के सर्टेन पॉइंट्स हैं, नजर घुमा लीजिए क्या क्या है। डिविडेंड का डिक्लेरेशन, कैंसलेशन ऑफ डिविडेंड विथ रीजन, ठीक है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, फिर आप कितना फंड रेस करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड डिसीजन, डीलिस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग से, ये क्या है, अगर आपने कोई भी बोर्ड मीटिंग में इसका डिस्कशन किया है तो मीटिंग खत्म होने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को ये चीज इंटीमेट करना पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 44। रेगुलेशन 44 बात करता है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एंड वोटिंग, क्या बात करता है कि टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी बाय मार्केट कैप, आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट उन्होंने बोला टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी जो है उसे वन वे लाइव वेबकास्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उन्होंने बोला लिस्टेड एंटिटी जो है उसे क्या करना पड़ेगा, रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटीज देना पड़ेगी। कितने दिन के अंदर अंदर, जनरल मीटिंग के 2 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज कंप्लायंसेस अंडर सेबी LODR रेगुलेशंस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर का कंटिन्यूशन रहेगा सेकंड पार्ट में, जुड़े रहिए और इस चैप्टर को सेकंड पार्ट में कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।